बारिश मूसलाधार दिल्ली लाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चंद घंटों की बारिश में राजधानी दिल्ली बेपर्दा हो गई। सिस्टम पानी पानी हो चुका है। अंडरपास, सड़कें, गलियां सब लबालब हो गई हैं। नाले इस कदर उफन पड़े मानो सब कुछ बहाने पर आमादा हूं। दिल्ली के अन्ना नगर में देखते ही देखते 10 से ज्यादा झुग्गियां बह गई। एक घर जमींदोज हो गया। हैरानी की बात यह है कि ये इलाका पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के पीछे का है। हर साल बारिश में डूबने वाला मिंटो रोड ब्रिज जानलेवा बन गया। आज एक टेम्पो ड्राइवर की इस अंडरपास में डूबने से मौत हो गई। देश की संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर ये मौत व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों हर बारिश में दिल्ली डूबने लगती है? सड़कों पर पानी का कब्जा हो जाता है। हैरानी है कि 2020 में भी राजधानी एक अदद ड्रेनेज सिस्टम की आस में है और यहां पर उसको तैयार नहीं किया जा सका है। दिल्ली में भारी बारिश के बीच दिल दहला देने वाला वीडियो। देखते ही देखते नाले में बह गया घर। इस वीडियो में दिल्ली में सैलाब के सितम का ट्रेलर है। दिल्ली में शायद ही पानी का इतना रौद्र रूप पहले किसी ने देखा होगा। मकान बहने की ऐसी तस्वीरों की गवाह शायद दिल्ली पहली बार बनी। 40 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। तेजी से बहता नाला अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। पानी का बहाव धीरे धीरे अपने साथ जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। लोग चीख पुकार कर रहे हैं, कोई घर में है तो निकल जाओ, घर गिरने वाला है। गाड़ी भाई के पास ही है। कोई भी नहीं है ना घर में, कोई नहीं है ना। सैलाब के साथ पहले पेड़ और फिर इस मकान की नींव बह गई। अगले ही पल ईंटों के साथ भर भरा कर पूरा मकान पानी में बह गया। लोग पूछते रहे कि घर में कोई नहीं है ना, लेकिन कुछ साफ नहीं हो पाया। एक आशियाना लोगों के सामने ही पानी में समा गया। आसपास के मकान की नींव भी हिल गई। डरा देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ के पास अन्ना नगर इलाके की है। सुबह बारिश हुई थी। ये WHO का ऑफिस है जो खुदा हुआ है, उसमें काम चल रहा है। नाला एकदम भर गया था। नाला भरने के वजह से घर में भी पानी भरा हुआ था। जब वो पानी का बहाव उस तरफ WHO की तरफ को कट गया तो क्या कहते हैं, हमारे मकान भी गिर गए। पर हम लोग बच पाए, बाकी कुछ भी नहीं बचा हमारा, सब कुछ दब गया उसमें। दिल दहला देने वाली एक और तस्वीर देखिए। बारिश और तेज बहाव में एक दो मंजिला मकान भी ताश के पत्तों की तरह पानी में समा गया। दिल्ली में आज सुबह की बारिश ने जगह जगह कोहराम मचा दिया। अंडरपास पानी में डूब गए, सड़कें दरिया बन गई। कहीं टेम्पो पलट गया तो कहीं सवारियों से भरी बस फंस गई। जो डेथ हुई है वो तो बहुत दुखद है और उसकी ना कोई भरपाई हो सकती है ना उसका कोई एक्सक्यूज हो सकता है। ये ज़रूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें हो सकता है छुट्टी हों, लेकिन जहाँ भी कमी है हम उसको पूरी कर रहे हैं। दिल्ली के जखीरा के इस अंडरपास को देखिए, यहाँ भी पानी भर गया। एक बस ने पार करने की जरूरत की तो पानी में जा फंसी। सवारियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वजीरपुर का प्रेम भरी अंडरपास भी लबालब है। जिसने पास करने की कोशिश की वो फंस गया। कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली के दिल की तस्वीर ही बदल दी। सड़कें झील बन गई।
जंतर मंतर का इलाका भी दरिया बन गया। अब लुटियन दिल्ली का हाल भी देख लीजिए, हर तरफ पानी का कब्जा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एमसीडी मुख्यालय के बाहर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बारिश होते के साथ ही एमसीडी मुख्यालय के बाहर की जो सड़कें हैं पूरी तरह से जलभराव हो गया। आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर घुटनों भर पानी जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो भर गया है। दिल्ली के सुपर पॉश इलाके गोल्फ लिंक में डिवाइडर तक पानी भर गया। दूर दूर तक कहीं सड़कों का नामो निशान नहीं था। निचले इलाकों का तो और भी बुरा हाल है। पानी घरों की चौखट तक आ गया, लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया। ये देश की राजधानी है जहां दो घंटे की बारिश पूरी व्यवस्था पर भारी पड़ती है। दिल्ली से निखिल लखवानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली को पेरिस लंदन बनाने के सपने हर सरकार ने दिखाए, लेकिन हर बार बारिश में ये सारे सपने धुल जाते हैं। सामने जो सच्चाई आती है वो बेहद खौफनाक होती है। दिल्ली में आज फिर भारी बारिश से मिंटो ब्रिज पर पानी भर गया। बारिश के पानी में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई। लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अब कोरोना की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली में ऐतिहासिक मिंटो रोड ब्रिज की तस्वीर है। अंडरपास में इतना पानी भरा है कि एक पूरी बस ही डूब गई। जान बचाने के लिए सवारियों को छत पर चढ़ना पड़ा। इस पानी में एक टेम्पो वाले की डूबकर मौत हो गई। सिर्फ कुछ घंटे की बारिश में मिंटो रोड पुल का ये हाल हो गया। देखिए कैसे मिंटो रोड अंडरपास में एक बस फंसी है। बस वाले ने पानी से भरे अंडरपास से बस को निकालने की जरूरत की। उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। राहत की बात यह है कि बस में सवारी कम थी और जो सवार थे वो इतने तेज तर्रार थे कि जान आफत में आता देख सरपट बस की छत पर चढ़ गए। बस पर चढ़ के दोनों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन घंटों जान सांसत में पड़ी रही। इन्हें बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में सीढ़ी का जुगाड़ किया गया। रस्सी और सीढ़ी की मदद से एक एक लोगों को सैलाब से बचाया गया। बस वाले तो बच गए, लेकिन यहाँ के पानी में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में मिंटो रोड पे तेज बारिश के कारण यहाँ बस फंस गई थी, जिसके बाद अब एक लाश भी यहाँ से निकली है। अभी अभी क्या आपने चेक वेक किया कुछ अभी इनको? हाँ, चेक क्या करना सर, वो तो डेड बॉडी ऐसी हो गई, अब उसको क्या चेक करना उनको। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कि जिस तरीके से बस यहाँ पे फंस जाती है उसके बाद एक बॉडी यहाँ से रिकवर हुई है। सबसे बड़ी बात यही कि क्या कर रहे हैं जो एजेंसी वाले हैं, जो सरकार है, क्यों किसी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बारिश के पानी में 60 साल के टेम्पो ड्राइवर कुंदन की डूबने से मौत हो गई। कुंदन गाड़ी लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस की तरफ आ रहा था। कुंदन को लगा कि पानी के बीच से उसका टेम्पो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पानी से ना गाड़ी निकल पाई ना कुंदन। सवाल यह है कि कुंदन की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों हर साल मिंटो रोड अंडरपास में पानी भर जाता है? क्यों मानसून से पहले दिल्ली सरकार और एमसीडी तैयारी पूरी नहीं कर पाती? मिंटो रोड अंडरपास की यह हालत तब है जब पीडब्ल्यूडी का दफ्तर 1 किलोमीटर ही दूर है, एमसीडी का मुख्यालय आधा किलोमीटर दूर है, संसद भी नजदीक है। मिंटो रोड पुल की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास है। ऐसे में मिंटो रोड अंडरपास का हाल जानने पहुंचे नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने पूरा ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ दिया। सड़क पीडब्ल्यूडी की है, नाला पीडब्ल्यूडी का है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस नाले की सफाई करना, लेकिन पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड सो रहा है। राव का चड्ढा जी कहाँ है जो इतना जोर जोर से बोलते हैं? आज स्वास्थ्य मंत्री जो इसके जल बोर्ड के चेयरमैन है वो कहाँ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ है? आप हाल देख सकते हैं, बसें फंसी हुई हैं, ऑटोज हैं, ट्रक हैं। ये किसके लिए जिम्मेवारी किसकी? इन सरकारों की। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मोदी जी से, अमित शाह से बहुत सहयोग मिल रहा है। क्यों आपने सहयोग लिया तो फिर क्यों हालात आते हैं? ये हालात बताते हैं कि आपकी तैयारियां बिल्कुल नग्न थी, आप छुप के घर बैठे हैं। दिल्ली सरकार पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सफाई देने सामने आए। ट्वीट कर लिखा,
इस साल सभी एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो या एमसीडी की, कोरोना नियंत्रण में लगी हुई थी। कोरोना की वजह से उन्हें कई कठिनाइयां आईं। ये वक्त एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है, सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जहां जहां पानी भरेगा हम उसे तुरंत निकालने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए कि कोरोना से पहली बार सामना हुआ है, जबकि मिंटो रोड अंडरपास पर हर साल पानी भरता है। ये तस्वीरें उसकी गवाह है। साल बदल जाते हैं लेकिन मिंटो रोड की किस्मत नहीं बदलती। निखिल लखवानी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली का जो हाल है इसी पर शाम 5 बजे दंगल में हम बड़ी बहस करने वाले हैं। गई दिल्ली पानी में। उधर बिहार का हाल भी बेहाल है। एक तो कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, वहीं कुदरत की मार से आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। मुजफ्फरपुर में तो थाना ही टापू बन गया। पुलिस वालों को हाथ में बूट लेकर चलना पड़ रहा है। बाढ़ के इस पानी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथों में इस तरीके से राइफल को लेके, जूते चप्पल जो पहनते हैं और पानी पीने का जो सामान होता है उसको लेके इस तरीके से निकलना पड़ रहा है ड्यूटी के लिए। कैसे आप लोग भी जाइएगा ड्यूटी करने के लिए? सर पानी में हेल के जाना पड़ता है सर, बहुत दिक्कत है सर। राइफल लेके जा रहे हैं ऐसे पूरा आप लोग? ये सर गर्म पानी ले जाते हैं सर, और जूता खोल के ले जाने पड़ रहा है सर। टोपी है सर, राइफल है, गोली है सर। अगला साल नाव चलती थी सर, इन साल भी नाव मैंने चलाया जाए। श्रीमान नाव चलना चाहिए। यस सर। तो देख सकते हैं कोरोना है, ऊपर से बाढ़, दोनों जो है डबल अटैक है इसकी वजह से। आप बताइए कि आप भी अपना राइफल इस तरीके से और पैंट चढ़ा के जा रहे हैं? जी जी सर, इसी तरह। अब क्या करें सर, हम लोग बड़ी कष्ट में जिंदगी जी रहे हैं इस थाने में। नाव की व्यवस्था होनी चाहिए। नाव की व्यवस्था तो सर जरूरी है, पर साल भी नाव यहाँ चल रहा था सर। इस साल तो और एगो सर अथी हो गया है कि कोरोना से ठीक किया गया हो रहा है हम लोग। अब पानी दोनों सर दबा रहा है। चलिए तो देख सकते हैं हालात कितने बुरे हो चुके हैं बिहार में। कोरोना, ऊपर से बाढ़, इस डबल अटैक से जो है पूरा बिहार जो है इस वक्त जो है वो ग्रसित है। और यहाँ आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी जो हैं वो भी किस तरीके से पानी में, इस तरीके से लगता है कि घुटने भर पानी में चल चल के इन लोगों को अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। कोरोना का समय है तो कहते हैं कि खाने पीने की चीज़ें, गर्म पानी भी लेके जाना पड़ रहा है, हथियार है, राइफल्स है, सब इसी तरीके से जो है उन्हें लेकर पानी में इसी तरीके से चल कर ड्यूटी के लिए निकलना पड़ता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और मणिभूषण शर्मा के साथ रोहित सिंह, अहियापुर थाना मुजफ्फरपुर आज तक। उधर चाय बागानों की खुशबू महकाने वाला असम बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। यहां के 33 में से 30 जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। असम के करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 5000 गांव इस आपदा से परेशान हैं। असम को हर साल बाढ़ से जूझना पड़ता है। देखिए तक पहुंचा है बाढ़ प्रभावित असम में, जहाँ लगभग 27 लाख लोग बाढ़ की चपेट में है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का जैसे ही स्तर बढ़ा, आसपास कई सारे गांव जो हैं असम के 25 जिलों में जलमग्न हो गए हैं। मैं जिस नाव पर खड़ा हूं ये कोई तालाब नहीं है, नाव चलने का इलाका नहीं है। ये गुवाहाटी से महज 25 किलोमीटर दूर राजाबारी का इलाका है कामरूप जिले में, और जितने गाँव यहाँ पर ईंट के भट्टे थे ये सारे जलमग्न हैं। ये जो पानी का आपको सैलाब दिख रहा है ये तस्वीर तब है जब पानी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में कुछ घटा है। आपको ये भी बताऊं कि दरअसल ये खेती का इलाका है, यहाँ पर कुछ दिनों पहले तक खेत थे जहाँ पर किसान अपनी आजीविका कमाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन जैसे ही पानी। राजधानी दिल्ली, बिहार और असम का हाल देखा आपने, चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस तरह की बेबसी देखी जा रही है वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती है।